नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके जावास्क्रिप्ट के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, आज की स्पेशली ये वीडियो, जो ओ लेवल जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वो स्टूडेंट ओ लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनके सिलेबस में जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट उनको बेसिक पहले पता होना बहुत जरूरी है, जैसे उसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आज हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। अगर आप प्रैक्टिकल के पर्पज से देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो कम से कम इसके बेसिक के बारे में समझिए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझिए। तो ये क्लास बिल्कुल जीरो से शुरू होने वाली है। अगर अब तक आपने जावास्क्रिप्ट कभी कुछ नहीं सुना है, जावास्क्रिप्ट के बारे में फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल अभी के लिए है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी वीडियो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन के बारे में है, तो चलिए हम सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को हम बढ़िया से जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है और ये कब कब आई और किसके द्वारा आई और जावास्क्रिप्ट का नाम कैसे जावास्क्रिप्ट पड़ा। तो सीधा हम वीडियो की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने नोट्स है, अगर आपको जरूरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई। इसको नेटस्केप कम्युनिकेशन के द्वारा, जो है ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था और बनाने वाले का नाम था ब्रेंडन आइक, है ना। कोई लोग इसको ब्रेंडन ईच भी पढ़ते हैं कहीं कहीं इंग्लिश में अगर लिखा रहता है तो ब्रेंडन आइक इनका नाम था जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट बना था तो इसका शुरुआती जो नाम था वो था ये मोका। ठीक है, अब इसको मोका ये मोचा जो भी आप पढ़ ले भाई। और बाद में इसका नाम देखो, इसके नाम के लेकर के क्वेश्चन भी आते हैं और इसके नाम में कई बार चेंजेस किए गए हैं। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट को बनाया गया और शुरुआत में ही इसका नाम जावास्क्रिप्ट पड़ गया, ऐसा नहीं था। तो जावास्क्रिप्ट का पहले कुछ और नाम था, बाद में इसको बदल करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया और फिर एकदम फाइनल जब इसका नाम आया, ठीक है, कुछ इसमें और बीच में चेंजेस हुए और फिर बाद में इसका नाम जाकर के जावास्क्रिप्ट रखा गया। तो अगर स्टार्टिंग नाम आपसे पूछा जाए तो आप ये बताएंगे, उसके बाद उसका नाम पड़ा था ये, यानी लाइव स्क्रिप्ट, फिर बाद में लास्ट में जाकर के इसका जो फाइनल नाम हुआ वो था जावास्क्रिप्ट। देखो, अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट का क्या काम क्या होता है, तो वेबसाइट, जैसे आप लोग अगर यहाँ जावास्क्रिप्ट पढ़ने आए हैं तो मुझे ये पता है कि आपको HTML और आपको CSS आती होगी। अगर नहीं भी आती, मान लो ऐसा कोई कोई होगा जिसको HTML CSS नहीं आती और वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जैसे आप HTML का यूज करके सबसे पहले एक बॉडी तैयार करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपने वेब पेज का। इसके बाद आप CSS पढ़ते हैं तो CSS की मदद से आप अपने वेब पेज को सुंदर बनाते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अगर हमें उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म कराना है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे इमेज स्लाइडर बनाना है या फिर मुझे उसमें कुछ कोई मैं फॉर्म बना रहा हूँ उसमें कोई वैलिडेशन सेट करना है, तो ऐसे में मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट हमारे पूरे वेबसाइट का बिल्कुल एक दिमाग होता है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन अगर कराना है, हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके दूसरे बेसिक चीजों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आगे अगले टॉपिक में हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो था वो नेटस्केप जो नेविगेटर था, नेटस्केप नेविगेटर जो सबसे लोकप्रिय ब्राउजर होता था, उसके लिए जावास्क्रिप्ट को विकसित किया गया था। ठीक है, और बाद में बहुत सारे ब्राउजर आए, जब उन्होंने देखा कि जावास्क्रिप्ट बहुत बढ़िया से काम कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट को अलग अलग कंपनी के ब्राउजर सपोर्ट करने में लग गए। भैया, हमको भी ये चीज अपने ब्राउजर के अंदर ये फीचर डालना है, हम भी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करेंगे। बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आई और माइक्रोसॉफ्ट जब बड़ी कंपनी आई, उसके बाद से तो बाकी सारे ब्राउजर भी जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से सपोर्ट करने लगे। ठीक है, और बाद में इसका नाम यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जावास्क्रिप्ट का पहला संस्करण पेश किया जिसे JS JScript कहा गया। ठीक है, और जावा माइक्रोसॉफ्ट का जो एक ब्राउजर होता था, अब तो हालांकि वो आना बंद हो गया, खत्म कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि था इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसमें जावास्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ऐड किया। इसके बाद जावास्क्रिप्ट को और भी कुछ कंपनियों के द्वारा मान्यता दी गई, जैसे कि इक्मा, और इसी के साथ इसका नाम भी पड़ा था इक्मा स्क्रिप्ट, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक नाम था इक्मा स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे इक्मा ने जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वर्जन लॉन्च किए। ठीक है, और बाद में जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन आए, बहुत सारे फ्रेमवर्क आए। आज के डेट में जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली एक लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। अगर आप सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक मान लेते हैं सर्वर है। आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर को क्लाइंट कहा जाता है। ओके,
ब्राउजर जो होता है ये हमारा क्लाइंट होता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्म खोल लिया, कोई फॉर्म आप भर रहे हैं या कोई वेबसाइट भर रहे हैं, तो वो वेबसाइट का जो रिक्वेस्ट है, आपने कोई फॉर्म डाला या फिर कोई आपने वेबसाइट खोलने के लिए सर्च किया, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही होगी? सर्वर के पास, ठीक है। अब सर्वर की तरफ जो लैंग्वेजेस काम करती हैं उनको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है, और जो लैंग्वेज हमारे ब्राउजर पे काम करती हैं उनको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हमारा यहाँ पे काम करता है, प्लस जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, है ना। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट बढ़ती गई वैसे वैसे उसके अलग अलग वर्जन आते गए, अलग अलग फ्रेमवर्क आते गए। तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है नोड जेएस के नाम से, जो कि इस सर्वर के ऊपर काम करता है, समझ गए। ऐसे इसके और भी फ्रेमवर्क यूज होते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। प्लस जावास्क्रिप्ट का देखो यहाँ पे मोबाइल ऐप बनाने में इसका यूज किया जाता है, गेमिंग ऐप बनाने में, और भी अन्य जगहों पे जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट जान लीजिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बढ़िया से सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ HTML और CSS से कुछ नहीं होने वाला, आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क आए थे। अब जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि एक रिएक्ट, एंगुलर बहुत ज्यादा आपका ये फेमस है, रिएक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, बाकी अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया नोड जेएस, ठीक है। तो इन सब लाइब्रेरी का यूज करके हम एक डायनेमिक वेब पेज बना पाते हैं। अगर हम डायनेमिक वेब पेज की बात कर रहे हैं, यानी एक ऐसा वेब पेज जिसके अंदर हम किसी ना किसी प्रकार के चेंजेस को कर पाए। देखिए जो हमारे ये पेजेस होते हैं, जो हमारे वेबसाइट होते हैं, हालांकि अगर आपने HTML पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा, हमारा एक पेज होता है जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, या एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिसके अंदर एक बार कंटेंट पड़ गया फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन वही अगर हम डायनेमिक की बात करें, तो डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होगी जिसके अंदर के एलिमेंट को हम बदल सकते हैं, है ना। उसके अंदर हम जब चाहे जिस भी प्रकार का चाहे अलग अलग एलिमेंट को डाल सकते हैं। तो अगर मैं एक डायनेमिक वेबसाइट बनाने की बात करूं, तब ऐसे में मुझे जावास्क्रिप्ट और उसके फ्रेमवर्क को यूज करना होगा। ओके, तो फ्रेमवर्क का यूज करके हम एक डायनेमिक वेब पेज को भी बना सकते हैं। तो इसके कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं इनको भी मैंने आपको बता दिया। अब आज की इस क्लास में बस आपको इतना ही मुझे बताना था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, जावास्क्रिप्ट को बस बेसिक ही पढ़ने आए हैं, तो छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे और ये वीडियो आपको मदद करेगी जावास्क्रिप्ट को शुरू से लास्ट तक सीखने में। अगर ये वीडियो आपको जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन है ये अच्छा लगा है, आपको ये जानकारी सही लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।